आज डे 5 है और मेरे चैनल वीडियो लाइफ में आपका स्वागत है। आज शाम का डिनर मैं बना रही हूँ, जिसमें मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपनी मैंने सब्जियाँ ले ली हैं। ये थोड़े से लहसुन रखे हुए हैं, ये काजू रखा हुआ है, ये टमाटर है, एक टमाटर मैं और ले लेती हूँ यहाँ पे, ये तीन टमाटर हैं और ये प्याज है। ये जो रेसिपी है ये आधा किलो पनीर की रेसिपी है, हम आधा किलो पनीर इसमें छौंकेंगे। तो हम पहले इसको एक एक करके सब तेल पर डाल देते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद इसको हम ठंडा करेंगे, इसके बाद हम मिक्सी में पीसेंगे और इसके बाद हम फिर से उसे मसाले को जो तैयार हो जाएगा उसको फ्राई करेंगे। मेरा गर्म हो चुका है, पहले मैं इसमें डाल देती हूँ लहसुन। और ये मेरी पर्सनल रेसिपी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल रेसिपी है, सब जगह इसी तरीके से फ्राई करते हैं, तो मैं भी उसी में से मैंने सीखा है और देख देख के मैं भी बना लेती हूँ उसी तरीके से। अच्छा आता है, टेस्ट बढ़िया लगती है खाने में। और लहसुन डाल दिए मैंने, इसको थोड़ा सा भून जाने देते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, एक हाथ में फ़ोन पकड़े रहो, उसकी वीडियो बनाओ, दूसरे हाथ से काम करो, कभी कैमरा इधर चला जाता है, कभी कैमरा उधर चला जाता है। तो प्लीज़ इसको स्किप कर दीजिएगा और वीडियो को देखिएगा कैसे कैसे मैंने इसको बनाया है। तो मेरे प्याज थोड़े से लाल हो चुके हैं, अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देती हूँ। और अगर आप चाहें तो इसमें सफ़ेद वाले जो तेल होता है वो भी डाल सकते हैं, इससे भी फिटनेस लेवल में बढ़िया आ जाती है। और ये मैं कोई रेसिपी नहीं है जो सब खाने की बनाई जाती है उस तरीके से, ये जो डेली में जो खाना बनाया जाता है उसकी रेसिपी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ये मेरा डेली का ब्लॉग है और डेली ब्लॉग में तो खाना पीना भी आता है ना, तो जो मैं बना रही हूँ उसे मैं शेयर कर देती हूँ। इसको मैंने इतना पका लिया है, बिल्कुल गला लिया है इसको एक तरीके से। आप देख सकते हैं बिल्कुल गला लिया, अब मैं इसको ठंडा करूँगी। आप भी इसको ऐसे बहुत गला लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गल जाता है तो इसको पीसने में आसानी हो जाती है और इसको बाद में छानना नहीं पड़ता। तो आप सारा इस्तेमाल कर लेते हैं मसाला जितना भी आपने बनाया हुआ होता है। तो मैं इसको ठंडा करने के लिए, ऐसा तो ठंडा होने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र में ये जल्दी ठंडा हो जाएगा और इसमें तुरंत पीस लूँगा। मसाला ठंडा हो रहा था तब तक हम लोगों ने अपने पनीर को इसको डाइस में ऐसे काट लिया, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मतलब इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस तेल में डालना है और ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए पनीर को हल्का ही फ्राई कीजिएगा। मैं फ्राई करके दिखाती हूँ आपको, देखिए मैं इसको बताती हूँ आपको कितना फ्राई करना है। ये मैंने पनीर डाल दिया है, इसको थोड़ा सा भूना है। ये 15 सेकंड के लिए मैंने भूना है, बस इसको ऐसे निकाल लेंगे, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। ऐसे हम सारे पनीर को भून लेंगे, फिर बचा हुआ जो तेल है उसी में हम मसाला डाल देंगे तो फ्राई हो जाएगा। तो मैं पनीर को भून देती हूँ। मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तेज पत्ता और छोटा टुकड़ा दालचीनी का और दो तीन चार लौंग मैं आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि जब मैं इसमें डाल रही हूँ तो इसकी आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है कि वीडियो बनाते समय मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने डाल दिया है, ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसके बाद मैं इसमें मसाला डालूँगी। मसाला आप मेरा देख सकते हैं, मैंने इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा पानी इसमें डाला है तो ये बहुत बहुत अच्छे से बिल्कुल महीन सा पिस गया, इसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप भी इसी तरीके से करिएगा, इसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा मसाला आपका यूज़ हो जाएगा। मैंने अपना मसाला डाल दिया है, इसी में मैं आधा चम्मच हल्दी डाल देती हूँ और आधा चम्मच मैं डालूँगी धनिया और इसको फ्राई करूँगी। आपको फ्राई इसको बहुत अच्छे से करना, आराम से पेशन के साथ करना, मतलब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा तभी इसका टेस्ट आता है। ऐसा नहीं कि आपने उसे दो चार सेकंड में फ्राई किया और इसमें मसाला डाल दिया तो ये बिल्कुल तेल छोड़ने लगे ना, तब आपको इसमें पनीर डालना है और इसके बाद आपको इसमें पानी डालना है। मैंने डाल दिया है अपना और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी, मतलब आधा चम्मच हल्दी डालूँगी और एक चम्मच पिसा धनिया डालूँगी। एक चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है, जब ये मसाला कढ़ाई में पड़ता है ये बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से पॉपअप करता है ऊपर की तरफ आने लगता है, तो आपको इसको जब पकाना है तो ढक के ही पकाना। देखिए आप लोग मसाला कितना लाल हो गया एकदम, मेरी कढ़ाई कितनी काली हो गई है बनाते बनाते। इस तरह की सब्ज़ी बनाने में यही सबसे बड़ी परेशानी होती है, कढ़ाई एकदम काली हो जाती है और फिर ये मतलब साफ़ नहीं होती। कस्तूरी मेथी और अभी इसके बाद इसमें पनीर डाल दूँगी। मैंने पनीर ऐड कर दिया, अब मैं सबसे लास्ट में डालूंगी इसमें नमक। मैं नमक हमेशा लास्ट में डालती हूँ जिससे पता चल जाए सब्ज़ी में नमक बहुत ज़्यादा है। मैंने
मैंने सब्जी चला लिया और इसमें नमक भी ऐड कर दिया। यहाँ मेरा पानी गर्म हो रहा है। इस ग्रेवी को थोड़ा सा ठीक करने के लिए मैं इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करूँगी। हमेशा सब्ज़ी जब भी आप बनाएं तो गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें, जिससे फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है। ठंडा पानी डाल देते हैं तो वो ठंडा और गर्म होकर फ्लेवर जो है चेंज। थोड़ा सा गर्म मसाला जो मैं सबसे लास्ट में डाल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गर्म मसाला नहीं डाल रही हूँ। ये राजेश का गर्म मसाला है, ये करीब है 8 ग्राम है और मैं इसे मतलब इसका आधा इस्तेमाल कर लिया था मैंने। मेरे ख्याल से 2 ग्राम मैंने इसमें मसाला डाला होगा, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, देखा होगा आपने। तो चुटकी की तरह 2-3 चुटकी 4 चुटकी मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया। मसाला इसमें काफ़ी अच्छे से भुने गया तो इसमें ज़्यादा इसको भुनेंगे नहीं, इसमें हम पानी डालेंगे। टेंसी के हिसाब से जैसे भी पानी डालना चाहें, बहुत सूखा खाना चाहें तो वैसे बना सकते हैं। वैसे पानी डालिए उससे थोड़ा चावल वावल खाने में आसानी हो जाती है। रोटी तो आप खा सकते हो पर आप बहुत पानी का मतलब चावल नहीं खा सकते हो। यहाँ मैंने पानी डाली है, अब ये थोड़ी देर अभी आप यहाँ पे क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसका जो कलर है जो ना ज़्यादा ब्राउन सा लग रहा है, थोड़ा वाइट सा हो जाएगा, देखने में अच्छी लगेगी। पर मैं यहाँ क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं घर में बना रही हूँ तो मैं क्रीम लेने गई नहीं हूँ। मैंने इसे ऐसे ही तैयार कर लिया है। आप चाहो तो आप क्रीम भी डाल सकते हो। तो क्रीम अगर आप डालोगे तो उसमें 2 चम्मच के आसपास आप उसमें क्रीम, अमूल वाली जो छोटी क्रीम आती है उसको अच्छे से फेंट लीजिएगा डब्बे में हिला के, और इसके बाद 2 चम्मच के आसपास इसमें डाल दीजिएगा। बस आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। भी बनाइए और इसके बाद मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। मैंने ठीक से आपको एक्सप्लेन किया कि नहीं, जैसे मैंने बनाती हूँ मैंने वो बता दिया आपको,